A very cheerful good morning to 10th class. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो बेटे मैंने कल प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक टॉपिक कराया था कि किस तरह से फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट को डेवलप किया गया. अब धीरे धीरे बेटे जो नेशनलिज्म था वो फ्रांस से होकर यूरोप के अदर कंट्रीज में चला गया, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड. ओके, अब देखो बेटे जो फ्रेंच आर्मी थी जो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था बेटे उसको पूरी बेसिकली एब्रोड तक ले गए. ठीक है, अब होता क्या था बेटे, मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाती हूँ इस टॉपिक को. देखो बेटे पहले फ्रांस के अंदर क्या था कि यानी कि मोनार्की सिस्टम था. उसके बाद क्या आया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट. धीरे धीरे रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बाद क्या आया, आपने पढ़ा था कहीं जैकोबिन क्लब की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, आपने नाइन्थ में पढ़ाया है. उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया. डायरेक्टरी रूल के अंदर क्या होता था बेटे, पांच मेंबर थे. जब डायरेक्टरी रूल के हेड की डेथ हो गई थी या उसको मार दिया गया था, तो उसके बाद जो नेपोलियन था वो क्या हो गया बेटे, फ्रांस का राजा बन गया. तो आज बेटे इस वीडियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमारा क्या है कि जो नेपोलियन था मिलिट्री जनरल, नेपोलियन बोनापार्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नेपोलियन. ओके, तो नेपोलियन ने बेटा बेसिकली फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर उसने डायरेक्टरी रूल को खत्म करके यानी कि मोनार्की गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया और खुद वहाँ का क्या बन गया बेटे, राजा बन गया. ठीक है, तो यहाँ पर बेटे जो नेपोलियन था उसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए ताकि जो इकोनॉमी है उसमें सुधार किया जा सके. बहुत सारे उसने ऐसे अरेंजमेंट किए. तो बेटा उसने धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही नाम क्या है बच्चों, रिपब्लिकन गवर्नमेंट. रिपब्लिकन गवर्नमेंट वो होती है बेटे जहाँ पर बेसिकली जो रूल करने वाला व्यक्ति है वो क्या होता है, इलेक्टेड बाई गवर्नमेंट होता है. यानी कि जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब देखो बेटे नेपोलियन जो कि क्या था, मिलिट्री जनरल था, उसने मोनार्की गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करके अपने आप को फ्रांस किंग के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया. अब बेटे उसने बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट किए, धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया. साथ साथ बेटे उसने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सुधार भी किए. अब देखो बेटे जब उसने सुधार करने शुरू किए, जैसे उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, समझाऊंगी आपको वैसे बता रही हूँ एक बार, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, बर्थ के बेस पर जो राइट मिलते थे उन सबको ख़त्म कर दिया, जो बैरियर्स लगा रखे थे ट्रेडर्स पर उनको रिमूव कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया. ठीक है ना, तो इन सब के अंदर बेटे बेसिकली इतने सारे जब उसने सुधार किए तो बेटे उन सुधारों को हमने एक नाम दिया, वो नाम क्या है, नेपोलियन कोड. क्या है वो, नेपोलियन कोड एंड सिविल कोड ऑफ 1804. अब देखो बेटे नेपोलियन कोड ये क्या है बेटे, जो भी नेपोलियन ने सुधार किए बेटे फ्रांस के अंदर उन सबको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म, इसके थ्रू बेटे उसने बहुत सारे सुधार किए और फ्रांस की जो पेंशन थी उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटे यहाँ पर नेपोलियन कोड में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, उसने अंडर द नेपोलियन कोड क्या क्या सुधार किए. हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड या सिविल कोड. ठीक है बच्चों, फर्स्ट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, पहली बात तो आती है उसने डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को तो उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया. लेकिन उसके बावजूद भी उसने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना दिया. तो ऐसा उसने क्या किया कि डेमोक्रेसी को हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. ठीक है ना, डेमोक्रेसी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. मोनार्की गवर्नमेंट की बात करो, डिक्टेटरशिप की बात करो, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, तो बेटे अब हम क्या बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया उसने, उसके बावजूद भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया. ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या क्या लिया, एबोलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ.
देखो बेटे जन्म के आधार पर जो भी फायदे मिलते थे, जैसे कहते हैं ना राजा का बेटा राजा, या राजा को मिलने वाले प्रिविलेज आगे आने वाले उसकी संतान को मिलेंगे, इस तरह के जो बेनिफिट्स थे वो उसने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। एंड एस्टैब्लिश इक्वल राइट टू द सिटीजन, और नागरिकों को समान अधिकार दिए। ठीक है, सेकंड है थे फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा, सर्वडम और मोनोरियल ड्यूज वर एवरेज। अब देखो बेटे यहाँ पर ये फ्यूडल सिस्टम क्या है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें क्या होता था बेटे, एक राजा अपनी जमीन को अपने नीचे छोटे छोटे सामंतों को दे देता था। अब वो क्या करते थे, अपनी जमीनों पर किसानों से काम लेते थे, उनको पूरी तरह से उन पर कंट्रोल करते थे और हर तरह से उनका शोषण करते थे। अब बदले में ये सामंत क्या करते थे, राजा को जब भी कोई युद्ध होता था, कोई झगड़ा, कोई बेसिकली और कोई काम होता था, सरकार को जरूरत होती थी पैसे की, तो वो क्या करते थे, राजा को आर्थिक सहायता कर देते थे। तो उस सिस्टम को बेटे हम लोग कहते थे फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम बेटे यूरोप में बेसिकली अगर हम बात करें मिड यूरोप के अंदर आया बेटे, ठीक है ना, मिडल सेंचुरी के अंदर आया, 19th मिडल सेंचुरी के अंदर यूरोप में आया था। तो बेटे इसका मतलब क्या होता था कि राजा अपने नीचे जो काम कर रहे थे, जैसे कोई भी राजा युद्ध जीतता था तो वो क्या करता था, अपनी जो ज़मीनें होती थी उसका कुछ हिस्सा अपने सामंतों को दे देता था। सामंत क्या करते थे, उसमें एग्रीकल पीजेंट मतलब किराए पर फार्मर्स को लगाकर, ठीक है ना, उनकी सेवाएं की जो सभी चीज़ें वो लेकर प्रोडक्शन करते थे, उन पर अननेसेसरी टैक्स लेते थे। तो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया उसने। सेकेंड क्या किया, सर्वदम यानी कि भूदास्ता, यानी कि जो दास्ता था, बेसिकली भूदास्ता का मतलब क्या है कि किसानों को भूमि, किसानों को दास बनाकर जो काम किया जाता था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो मोनोरेटिव जो पीजेंट्स पर अननेसेसरी टैक्स लगाए जाते थे उन सबको भी क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों गेट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। अब देखो गेट रिस्ट्रिक्शंस क्या होता था बेटे, कुछ ट्रेडर्स होते थे बेटा, बेसिकली वो क्या करते थे, अपना व्यापारिक समूह बनाकर, अपना बेसिकली अगर बात करें ट्रेड एसोसिएशन टाइप बनाकर अपने बिजनेस को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा फैलाना चाहते थे। तो गेट रिस्ट्रिक्शन जितने भी थे ना वो सारे के सारे क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और नो डाउट ट्रेड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड उसने क्या किया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या किया, इम्प्रूव किया, ताकि जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह जो उसने हटाए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा बेटे, कि इससे क्या किया जा सकेगा, इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो है उनको बेसिकली इजीली ट्रांसफर किया जा सकेगा। और तीसरा बेटे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, स्टैंडर्ड वेट यानी कि एक समान माप, एक समान मेजरमेंट होगा। तो बेटे इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म टैक्स बनाए गए, एक जैसे टैक्स, जैसे इंडिया के अंदर बेटे जीएसटी है, आप मुझे इस वीडियो के देखने के बाद बताइए कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कब किया गया था। जीएसटी मींस क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आल्सो नोन एज वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे अक्रॉस द कंट्री एक ही तरह का टैक्स क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था। बट जीएसटी नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ एट प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। तो नेपोलियन ने बेटे क्या किया था, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया था। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा होगा बेटे, एक देश में बनी हुई वस्तुओं और सेवाओं को ईजिली दूसरे देशों में बेचा जा सकेगा। अब देखो बेटे फ्रांस में नेपोलियन ने कितने सारे इंप्रूवमेंट किए, ठीक है, तो बहुत सी अदर फ्रांस के अदर मतलब लगा लो भी यूरोपियन अदर कंट्रीज थी वो भी क्या चाहती थी, नेपोलियन हमारे देश में आए, हमारे देश में भी क्या हो, सुधार हो। लेकिन बेटे जो उसने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किया वही सेम सिचुएशन उसने कहीं भी अदर कंट्रीज जो उसके जीते हुए क्षेत्र थे, क्योंकि बेटे नो डाउट जैसे ही ये फ्रांस का राजा बना इसने अपनी सीमाएं बढ़ानी क्या कर दी, शुरू कर दी अपने जीते गए क्षेत्रों में। बेटे पहले तो लोगों ने इसका वेलकम किया कि हाँ भाई नेपोलियन अपने अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि बेटे जो ये रूल्स रेगुलेशंस ने लगाए बेसिकली उससे मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अगर हम बात करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो टैक्स हटाने से इजी मूवमेंट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, पीजेंट्स के ऊपर से भी फ्यूडल सिस्टम इम्प्रूव कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को भी क्या कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है ना, और नो डाउट बेटे साथ साथ जमींदारी सिस्टम को भी खत्म कर दिया था। तो इन सब के कारण बेटे जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उनको देखते हुए लोगों में इस बात के लिए बड़ा हो रहा कि
बेसिकली जो उसने फ्रांस में इम्प्रूवमेंट की है वही सेम इम्प्रूवमेंट वो हमारे देश में भी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर नेपोलियन को अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए क्या करना था बच्चों, हर तरह से क्या किसकी जरूरत होती थी, इनकम के सोर्स की जरूरत होती थी, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड मैं आपको ये भी क्वेश्चन में नोट कराती हूँ बच्चों। तो बच्चों यहाँ से एक सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे जैसे नेपोलियन ने बेटा बेसिकली क्या किया, फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया, अपने जो जीते हुए अक्षेत्र हैं बेटे वहाँ पर अपना पूरे तरह से कंट्रोल करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में बेटे जितने भी अक्षेत्र थे, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो बेल्जियम है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है बेटे, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज का बहुत स्वागत किया। किस रूप में स्वागत किया, हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली सेनाओं के रूप में हर तरह से फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने फ्रेंच आर्मी का जितने भी क्षेत्रों ने फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया उनके लिए बाद में वही स्वागत उनके गुस्से का कारण बन गया। तो ऐसा क्या हुआ कि जो देश क्या चाहते थे कि यहाँ पर नेपोलियन क्या करे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अप्लाई करे, धीरे धीरे वो ही उससे नाराज, उससे गुस्सा नजर आने लगे। तो फर्स्ट रीजन क्या था बच्चों, इंक्रीज टैक्सेशन। तो बेटे नेपोलियन अपनी फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, तो उसको लिए बेटे उसको किसकी जरूरत पड़ती थी, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती थी। तो उसने जीते हुए क्षेत्रों पर क्या किया था, हर तरह से टैक्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अननेसेसरी पब्लिक पर बर्डन बढ़ना शुरू हो गया था। सेकंड पॉइंट है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या है, जैसे आप लोग देखते हो बेटे मूवीज के अंदर क्या होता है बेटे कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, कुछ बेसिकली उसके अंदर ऐसे सीन होते हैं जो जिनको पब्लिकली दिखाना सही नहीं है, तो उनकी क्या करते थे, काट छाट, यानी कि हर तरह से ये चेक करना कि वहाँ पर उस देश के अंदर जो उसने जीता है क्षेत्र वहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करना, तो सेंसरशिप करना शुरू कर दिया था। फोर्स कंस्ट्रिक्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जैसे बेटे आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स भी क्या करते हैं बेटे बेसिकली कि इंडियंस को जबरदस्ती सेना में शामिल कर लेते थे, ऐसे ही फ्रेंच आर्मी के अंदर बेटे जबरदस्ती जीते गए क्षेत्रों के लोगों को शामिल कर लिया जाता था। और लास्ट बेटे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो कि ये किसने की थी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, नेपोलियन ने की थी, डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, उसके कारण बेटे जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी। तो इन्हीं सब कारणों से बेटा बेसिकली जो उनका उत्साह था कि नेपोलियन क्या करे यहाँ पर आके प्रशासनिक सुधार करे, वो धीरे धीरे उनका गुस्से में बदल गया था। लेकिन बेटे बेसिकली जो बड़ा इंक्रीज टैक्स था, सेंसरशिप थी, फोर्स कंस्ट्रिक्शन था फ्रेंच आर्मीज के अंदर, और नो डाउट उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को जो खत्म कर दिया गया था, इन्हीं सब कारणों से बेटा बेसिकली जो लोग चाहते थे कि फ्रेंच आर्मीज उनके लिए उनके बेनिफिट के लिए काम करेगी, धीरे धीरे उनको मिलने वाले जो बेनिफिट से वो तो कम लगने लगे और उससे होने वाले नुकसान ज़्यादा लगने शुरू हो गए। देखो जैसे आपकी बुक में ये पैसेज है बच्चों, पेज नंबर 7 पे है बेटे, हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वॉज मीच, इसका मतलब क्या है बेटे, जो जीते गए क्षेत्र थे ना बेटे जो फ्रांस ने जीते थे उनके लिए बेटे बेसिकली वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनकी नेपोलियन के लिए जो रिएक्शन था वो काफ़ी मिला जुला था, कुछ क्या सोच रहे थे कि नेपोलियन सुधार करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे बेटा उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और दूसरा बेटे इसके अंदर क्या दे रखा है, बट इन द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू होस्टिलिटी, स्टार्टिंग में जो उत्साह था ना कि नेपोलियन सुधार करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाएगा, वो सब क्या बदल गया, टर्न इनटू होस्टिलिटी, होस्टिलिटी क्या है बच्चों, गुस्से में बदल गया, ठीक है। एंड इसके लिए क्यों बदला, उसका रीजन क्या है, फर्स्ट है इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, ठीक है ना, और जो फ्रेंच आर्मीज को बेटे जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज में शामिल कर लिया जाता था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, ठीक है। ऑल सेम टू
आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसी लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से मिलने वाले जो फायदे थे वो तो कम लगे, बाकी होने वाले जो नुकसान है वो ज़्यादा नजर आने शुरू हो गए। तो बेटे आज के इस सेशन के अंदर मैंने आपको दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि नेपोलियन ने बेसिकली जो कोड कंडक्ट अप्लाई किया 1804, तो बेटे बेसिकली उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें उसने क्या किया, जो अदर कंट्रीज थे जो इससे प्रभावित हुए, फ्रेंच एनिमी आर्मी वहाँ पहुंची तो उन्होंने इसको क्या समझा, स्वतंत्रता का तोहफा समझा, और फिर लेकिन धीरे धीरे उसका क्यों लोगों में कन्वर्ट हो गया, टैक्स की वजह से, सेंसरशिप की वजह से, पॉलिटिकल फ्रीडम को हर्ट करने के कारण, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बेटे कि जो बेसिकली फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे फ्रेंच आर्मीज में, इस कारण भी बेटा उनका जो बेसिकली एंथ्यूजियम था वो धीरे धीरे हॉस्टैलिटी में, नाराजगी में और गुस्से में बदल गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। बेटे आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। बेटे ये आपसे एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो देखने के 10 बाद एक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप इनका जवाब दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटे एक रीडिंग भी जरूर लगाइए ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।